प्रखंड लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए। टूटी बंटवारे के रूप में उधर भागीरथी पर्यटक आवास ग्रह प्रारंभ हो गया और अलकनंदा पर्यटक आवास ग्रह उत्तराखंड को मिल गया। इस अवसर पर आज मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरदेव महाराज जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, कि पिछले लंबे समय से ये लगभग उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वें वर्ष में चल रहा है और ये समस्या लगातार बनी हुई, अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था और पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर सिंचाई विभाग की जमीनें हैं और उसमें तय हुआ है सिंचाई विभाग के जो आवास हैं कि जितनी हमको आवश्यकता है या उत्तर प्रदेश को जो आवश्यकता होगी उनके कामों को चलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो हेडवर्क्स हैं यहाँ पर वो सारे हेडवर्क्स उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए काम आते हैं, सिंचाई का काम वहाँ से चलता है तो उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ के डैम हैं, बैराज है, बनबसा का बैराज है हमारा, किच्छा का बैराज है, बैगुल वाला है, इन सभी का जो भी पुनर्निर्माण का कार्य होना है वो पुनर्निर्माण का कार्य हो जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स की बहुत सारी गतिविधियां जिनको चलने में अनावश्यक रूप से कई बार अड़चने आ जाती थी उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने वहीं पर तात्कालिक रूप से उसी बैठक में कर दिया था। इसके साथ साथ जो वन विकास निगम का हमारे यहाँ पैसा मिलना था वो पैसा भी उसी दिन हमको मिल गया था और इसके साथ ही जो परिवहन निगम का पैसा था, खाद्य विभाग की कुछ चीजें थी, उन सभी का समाधान हो गया है। वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां जो नहीं चल पाती थी, जो गंग नहर हो, चाहे हमारा नानक मता का डैम हो, इसके साथ साथ बैगुल डैम हो, उन सभी पर हो गया है। और आज आपने देखा, आप सबके समक्ष एक उदाहरण कि दो सरकारें एक होने से और डबल इंजन ट्रिपल इंजन, पहले हम डबल इंजन कहते थे ट्रिपल इंजन, एक ट्रिपल इंजन की सरकार ने पिछले 21 सालों से जो मामला, जो समाधान नहीं हो पा रहा था, जो उलझन थी उसको सुलझाने का काम किया है। मैं आप सब लोगों के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि आप सब पसंद। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है आज यहां पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने दशकों से चली आ रही एक समस्या का समाधान किया है। जब अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का था और लाभांश में चलने वाला होटल था, आपसी सहमति से आज अलकनंदा होटल हम लोग उत्तराखंड सरकार को समर्पित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहां पर भागीरथी के नाम पर एक नया पर्यटन आवास गृह उपलब्ध करवा रहे हैं। यह आपसी सहमति का एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है कि हमने आपसी सहमति से इस कार्य को किया। जो मामला दशकों से चला रहा था, न्यायालय में चल रहा था, बातचीत से सारे रास्ते समाप्त हो चुके थे, फिर न्यायालय में जाना पड़ा, लेकिन एक पार्टी की एक समान विचारधारा की सरकार होने के कारण आपसी सहमति से हम लोगों ने इस समस्या का समाधान किया, जिसमें अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को जाएगा, उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को लैंड उपलब्ध करवाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार उस लैंड पर फिर अपने लिए एक नया पर्यटन आवास गृह वहां पर बनाएगी, जिससे पर्यटन विभाग की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
और आज ये कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ है। मुझे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भागीरथी पर्यटन आवास गृह सौंपते हुए हृदय से आनंद की अनुभूति हो रही है और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर उत्तराखंड विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उन नई ऊंचाइयों के साथ यहाँ के विकास में अलकनंदा होटल भी एक योगदान देगा, क्योंकि पर्यटन विकास की तमाम संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर हैं। और इस राज्य ने, जिसने अब तक अपनी 21 वर्ष की यात्रा पूरी की है, इस यात्रा के विकास के लिए उसे भौतिक संसाधन भी चाहिए। उस भौतिक संसाधन की दृष्टि से आज होटल यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा धामी जी को, जिन्होंने बहुत ही सहजता सरलता के साथ इन समस्याओं के समाधान के लिए आगे आकर के और उस समस्या के समाधान के लिए एक सकारात्मक रुख अपनाया। ये शुरुआत यद्यपि 5 वर्ष पहले श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने प्रारंभ की थी और ये प्रक्रिया चल रही थी, बातचीत आधिकारिक स्तर पर चल रही थी, चीफ सेक्रेटरी स्तर की बैठकें भी हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो नौकरशाही के स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक समाधान निकालने होते हैं। और हम लोगों ने, दोनों ने नवंबर 2021 में इस समस्या को बैठ करके आपसी सहमति से समाधान निकाला। आज कार्य यहाँ पर मुझे सौंपते हुए हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि एक समस्या का समाधान यहाँ पर, जो हम लोगों ने आज से 4 माह पूर्व लखनऊ में कहा था, आज हरिद्वार में वो पूरा हो रहा है। ऐसे ही अन्य समस्याओं का समाधान भी हम इसी प्रकार से करेंगे। हम सब की भावनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत की होनी चाहिए। हम सब मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कैसे साकार कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आपसी कुछ मतभेदों से ऊपर उठ करके हमें कार्य करना होगा। और आपसी मतभेदों से ऊपर उठ करके जब हम कार्य करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठना ही होगा। ये उन सभी राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है जहां पर आपसी सहमति से कोई विवाद का समाधान नहीं हो पाता है। आखिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कैसे किया है, अलकनंदा होटल का हो चुका है, इससे पहले रोडवेज की समस्या, वन निगम से जुड़ी हुई समस्या, आवास विभाग से जुड़ी हुई समस्या, 21 जब हम नवंबर 21 में मिले थे उस समय हम लोगों ने इन सभी का समाधान किया था। और आने वाले समय में जो बाकी बची हुई चीजें हैं उसका भी समयबद्ध ढंग से सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, व्यावहारिक धरातल पर उसको उतारने की कार्रवाई भी दोनों लोग मिलकर के करेंगे। आज इसी दिन से यहां पर हम लोग आए हैं कि भागीरथी पर्यटन आवास गृह, अब उत्तर प्रदेश सरकार उसको, उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग उसको संचालित करेगा, और अलकनंदा होटल की चाबी मैंने आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब यहाँ के इस अलकनंदा होटल के लिए पिछले 21 वर्षों से जो लड़ाई चली आ रही थी, अब उस होटल को उत्तराखंड सरकार स्वयं संचालित करे। ये प्रॉफिट मेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा संस्था है और अच्छा एक होटल है ये। और हरिद्वार और उत्तराखंड में तो 4 धाम की यात्रा भी प्रारंभ हो रही, बहुत वक्त आ रहा है, 2 धाम की यात्रा खुल चुकी है, कल और परसों केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी प्रारंभ होगी। देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु इन धामों की यात्रा के लिए यहां पर आएगा, तो उन्हें अच्छी सुविधा यहां पर देने में ये होटल बड़ी मदद करेगा। और केवल उसी में नहीं, यहां पे हरिद्वार में तो वर्ष भर श्रद्धालु आते हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, स्वर्गाश्रम में और आसपास के क्षेत्रों में ढेर सारी अन्य संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग है वह उन संभावनाओं को आगे बढ़ाकर के उत्तराखंड के विकास को भी और तेजी से आगे बढ़ाएगा, यहाँ पे तमाम नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मित्रों, आज ये कार्य यहाँ पे संपन्न हुआ है, मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को और उत्तराखंड की जनता को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और हम विश्वास करते हैं कि मिल करके आपसी सहमति से इन सभी समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देंगे। यही मुझे आप सबसे अनुरोध करना था, बहुत बहुत धन्यवाद। कर सिंह धामी, दोनों को आपने सुना,
ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और जिसमें सीएम योगी का साफ कहना था कि दशकों से जो समस्या चली आ रही थी मिनटों में उस समस्या का समाधान हुआ।